वालेकुम अस्सलाम। करें जल्दी जल्दी आप लोग। चैप्टर शेयर हो रहा है। जी सर। जी सर, हो रहा है सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी विल स्टार्ट, वी विल रिवाइज फाइनेंशियल एसेट्स, जिसके अंदर दो मेन चीजें हैं कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एंड नंबर टू जो अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट, राइट। वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लासेस, बट वी आर टेकिंग द रिविजन ऑफ दिस चैप्टर टू ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, यानी कि टुमारो इज विल बी द लास्ट क्लास, राइट। मेकअप क्लास ले रहे हैं, टुमारो विल बी द लास्ट क्लास एंड वी विल कवर एरर्स इन अकाउंटिंग, राइट। एरर्स इन अकाउंटिंग को हम कवर करेंगे कल की क्लास में। तो आज हम बैंक रिकंसिलिएशन, पहले इसको थोड़ा सा ब्रीफली वी विल डिस्कस दिस चैप्टर, राइट। तो फाइनेंशियल एसेट्स एंड यानी कि कंट्रोल ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, अकाउंट रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल, all topics covers in this chapter. So we now starting this discuss, we'll discuss this briefly, then we'll solve the two questions that I just sent you, right. That will be the another questions as a revision. So dekhiye, financial assets to pehle hum dekhe aapko define bhi kar dete hain fir se. Financial assets are most liquid resources like cash that gets its value from a contractual claim, right. Dekho, financial assets kya cheez hai, are most liquid cash like resources, right. That get its value from contractual claim, for example cash, stocks, bonds, right? Stocks ke matlab yahan par meaning hai ki aapke jo शेयर्स वगैरह, बॉन्ड्स, बैंक डिपॉजिट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड द लाइक आर एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट, राइट। इन सब में देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है। दीज ऑल कैन इजीली एंड डायरेक्टली बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट एनी टाइम, राइट। कैश तो है ही कैश, इसको भी फिर हम जैसे बॉन्ड्स है, स्टॉक्स, शेयर्स को, बॉन्ड्स को, बैंक डिपॉजिट्स, एनी टाइम वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश, ठीक है। रिसीवेबल भी इट विल बी कन्वर्टेड सून इनटू द कैश, राइट। सो दीस ऑल कैन इजीली डायरेक्टली बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट एनी टाइम और एट लीस्ट इन नियर फ्यूचर, ये इसके बारे में, ये अकाउंट रिसीवेबल इट विल बी कन्वर्टेड, बाकी चीजें तो एनी टाइम वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश। तो अब इसमें इसको चलो, कैश इज डिफाइंड एज मनी ऑन डिपॉजिट्स इन बैंक्स एंड एनी आइटम दैट बैंक्स विल एक्सेप्ट फॉर डिपॉजिट। कैश को क्या कहते हैं, इज डिफाइंड एज एज मनी ऑन डिपॉजिट्स इन बैंक्स एंड एनी आइटम दैट बैंक विल एक्सेप्ट फॉर डिपॉजिट। जो बैंक एक्सेप्ट करे, जैसे चेक्स वगैरह हैं और भी चीज़ें, उनको जो एक्सेप्ट कर रहा है वो जस्ट लाइक मनी, कैश है वो। दीज एग्जाम्पल्स है क्वाइंस, पेपर मनी, चेक्स, मनी ऑर्डर्स, ट्रेवलिंग, ट्रेवलर्स चेक्स एंड सो ऑन, राइट। अब है कैश मैनेजमेंट, आपको देखें इसको, ये इस पे नोट्स भी आ सकते हैं और
कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट इज मेंट टू प्लान कंट्रोल एंड अकाउंटिंग फॉर कैश ट्रांजेक्शन एंड कैश डिक्री. कैश मैनेजमेंट इज मेंट टू प्लान कंट्रोल एंड अकाउंटिंग फॉर कैश ट्रांजेक्शन एंड कैश बैलेंसिंग. कैश ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है, और कैश बैलेंसिस को, इसको कहते हैं कैश मैनेजमेंट. बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट आर, देखो, प्रोवाइड, नंबर वन, प्रोवाइड एक्यूरेट अकाउंटिंग फॉर कैश रिसीट्स एंड कैश डिसबर्समेंट. कैश बैलेंस सबसे पहले तो कैश मैनेजमेंट भी आता है कि हमने कोई अकाउंटिंग इसकी जो है हमारी कैश मैनेज रिसीट्स और कैश डिसबर्समेंट की अकाउंटिंग हो रही है प्रॉपर, ठीक है, कि क्या कैश हमारे पास का मतलब है कि जैसे कैश रिसीव हुआ फ्रॉम विच पार्टी है उसको फिर हम डेबिट करें, राइट, प्रॉपरली अपना कैश बैलेंस भी चेंज हो जाएगा. फिर जब डिसबर्समेंट हो रही है तो उसका मतलब वो उसकी अप्रूवल हो, राइट, कि भाई हम डिसबर्समेंट जो कर रहे हैं वो मैनेजमेंट की अप्रूवल है. और फिर कैश बैलेंस निकालना हर स्टेज के ऊपर. नंबर टू, प्रिवेंट और मिनिमाइज लॉसेस फॉर थेफ्ट और फ्रॉड. इसके अलावा जो है हम प्रिवेंट ऐसे स्टेप्स लें कि हम लॉसेस वगैरह को, थेफ्ट को, कैश को बचाएं, राइट, फ्रॉड होने से, थेफ्ट होने से, ठीक है. एंटिसिपेट द नीड फॉर बोरोइंग, और ये साथ में ये भी है कि हम ये भी एंटिसिपेट करें कि फॉर एग्जांपल कि नेक्स्ट मंथ में हमें कैश बोरो तो नहीं करना पड़ेगा. सपोज ये एग्जांपल है, देखें अभी ये रमज़ान चल रहा है, ठीक है, कंपनी ज़रूर इसको कंपनी ने एंटिसिपेट किया होगा कि रमज़ान के महीने में कंपनी की सेल नॉर्मली फूड आइटम के अलावा डाउन हो जाती है, राइट, तो कुछ आइटम ऐसे हैं तो उसको एंटिसिपेट करना कि नेक्स्ट मंथ में सेल कम होगी फॉर एग्जांपल, राइट, तो हमें फिर बोरो करना पड़ेगा. हाँ, फिक्स कॉस्ट ऑलमोस्ट तो सेम होती है, सैलरीज वेजेस वगैरह ये सब, ठीक है, तो कंपनी को एक्सपेक्ट करे कि भाई नेक्स्ट मंथ में वी हैव ए एक्टिविटी तो लोअर एक्टिविटी तो वी मे हैव टू बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक, ठीक है, तो ये सब एंटिसिपेट भी इसी में आ जाता है मैंने कैश मैनेजमेंट. एंटिसिपेट द नीड फॉर बोरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्यूट अमाउंट ऑफ कैश फॉर द कंडक्टिंग बिजनेस ऑपरेशन को, ठीक, प्रिवेंट अननेसेसरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन टू करंट अकाउंट और इन हैंड दैट प्रोड्यूस नो इवेंट. इसको भी बचाना कि अननेसेसरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैश करंट अकाउंट में हम ना रखें, ठीक है, क्योंकि हम उससे इंटरेस्ट लूज करेंगे, या कैश इन हैंड हम बहुत ह्यूज अमाउंट रख लिया, ठीक है, ज़रूरत है 2 लाख की, रखा हुआ कैश इन हैंड 10 लाख रुपए, तो वो हम कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं इसका मतलब, ठीक है, एक तो थेफ्ट के चांसेस बढ़ गए, इसके अलावा इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं बैंक से, उसको बेहतर है कि वी शुड डिपॉजिट एटलीस्ट इन द सेविंग अकाउंट, राइट. ये स्टेप्स हैं कैश मैनेजमेंट के 4, और ये इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश, ठीक है, सब डिस्कस हो चुका है, ठीक है, इसको मैं पढ़ लेना, इसको आप लोग फिर, बहरहाल ये इम्पोर्टेंट है, इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश, ये तो सवाल भी करने, इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश सिंपली एज ए मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड थेफ्ट फॉर कैश. ठीक, इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश सिंपली एज ए मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड थेफ्ट फॉर कैश, दस इंक्लूड्स अकाउंटिंग फॉर कैश ट्रांजेक्शन द मेजर स्टेप्स. इसमें क्या है इंटरनल कंट्रोल में, सेपरेट द फंक्शन ऑफ हैंडलिंग कैश फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, यानी कि इसका मतलब है कि जो कैश हैंडल कर रहे हैं जैसे कैशियर है, राइट, हु इज हैंडलिंग द कैश, राइट, पेमेंट पेमेंट वो सब कर रहा है, तो लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कीपिंग वो एक सेपरेट पर्सन है. कैश आ रहा है रिकॉर्ड वो कर रहा है, कैश डिसबर्समेंट हो रहा है रिकॉर्ड कर रहा है, राइट, ताकि सेपरेट पर्सन होगा तो मिस अप्रोप्रिएशन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, सेपरेट द फंक्शन ऑफ हैंडलिंग कैश एंड फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ कैश रिकॉर्ड, राइट, प्रिपेयर कैश बजट और प्लान कैश रिसीट्स. हम ये पहले से बनाएंगे कि नेक्स्ट मंथ में हमारा कैश बजट क्या है, राइट, कि हम कैश कितना रिसीव कर रहे हैं. फॉर्स करो कि ये मंथ चल रहा है हमारा, फॉर एग्जाम्पल मंथ लास्ट मंथ हमारा अप्रैल, तो अप्रैल के एंड में कंपनी बजट कैश फोरकास्ट करेगी, बजट बनाएगी कि मई के महीने में हमारी
रिसीट्स कितनी हो रही है और पेमेंट कितनी हो रही है और कैश बैलेंसेस मंथ वाइज फॉर द कमिंग ईयर, ठीक है, पूरे साल का भी बनाया जा सकता है और एक पूरे महीने का भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इसी में ही हम ये फोरकास्ट कर लेंगे कि कोई हमें कैश डिफिसिट नहीं तो नहीं हो रहा है, तो हम वी विल बोरो द मनी इन द मंथ, पहले से प्लान कर लेंगे। इसको कहते हैं कैश बजट। तो दूसरा स्टेप है इंटरनल कंट्रोल ऑफ कैश में कि कैश बजट बनाते हैं। फिर ऑल कैश रिसीट मस्ट बी डिपॉजिट, ये कह रहा है कि जो कैश रिसीट्स हो उसको फिर हम बैंक में उसी दिन जमा भी करा दें, राइट, ताकि कैश इन हैंड नहीं रहे, राइट, थेफ्ट के भी चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। मेक ऑल पेमेंट चेक, कंपनी देखो नॉर्मली अब जो भी पेमेंट कर रही होती है चेक्स के थ्रू थ्रू, चाहे सैलरीड पर्सन को भी पेमेंट हो रही है तो चेक्स के थ्रू हो रही है। ओनली एक्सेप्शन मे बी फॉर स्मॉल पेमेंट, तो स्मॉल पेमेंट है पेटी पेमेंट, लाइक कोई हम किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को पेमेंट कर रहे हैं, राइट, और कोई जो सपोज हमने कोई दूध वाला रखा हुआ है हमें कंपनी में उसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी छोटी मोटी न्यूज़पेपर्स वाले को पेमेंट कर रहे हैं, वो छोटी पेमेंट जो है वो पेटी कैश के थ्रू होगी, बाकी सब बाई चेक। एवरी एक्सपेंडिचर बी वेरीफाइड, कह रहे हैं हर एक्सपेंडिचर वेरीफाई हो, एवरी एक्सपेंडिचर बी वेरीफाइड बिफोर, चेक बनाने से पहले पहले एक्सपेंडिचर जो हुआ है उसकी वेरिफिकेशन हो गई, यानी कि उसको अप्रूव कर दिया है डायरेक्टर्स ने, मैनेजमेंट ने, राइट, फिर उसकी हम चेक बनाए। मंथली हमें बैंक रिकंसिलेशन बनाने चाहिए, इसका एक अभी एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, मंथली रिकंसाइल द बैंक स्टेटमेंट विद द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, लाजमी है ये सब चीजें आ जाती है इंटरनल कंट्रोल ऑफ कैश, राइट। अब हम ये देखो बैंक रिकंसिलेशन को का सवाल करने से पहले इसकी हर एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, देन वी विल सॉल्व द बैंक रिकंसिलेशन, ठीक है, समझ रहे हो ना सब। देखिए एट द एंड ऑफ ईच कैलेंडर मंथ, देखिए मंथ एंड पे ईच कैलेंडर मंथ एवरी मंथ द बैंक इज सप्लाईज अ बैंक स्टेटमेंट टू ईच कस्टमर, हर कस्टमर को बैंक एक बैंक स्टेटमेंट भेजता है, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल आप भी अपनी बैंक स्टेटमेंट मंगा सकते हैं, लेकिन कंपनी के पास तो लाजमी भेजता है बैंक, ठीक है। इट शोज कस्टमर्स इस बैंक स्टेटमेंट क्या होगा, कैश बैलेंस इन द बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इसमें ये शो किया होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, जैसे आपका जो है अप्रैल का महीना जो एंड हुआ है, कंपनी उसने शो किया होगा अप्रैल की 31 को या 1 मई को कि आपका अप्रैल के महीने में ओपनिंग बैलेंस क्या था, फिर जितनी डिपॉजिट्स किया आपने बैंक में ऑल डिपॉजिट्स में, अब आप अपनी डिपॉजिट से चेक करोगे कि हमने ये सारे डिपॉजिट्स यही डिपॉजिट्स किए, कोई मिस तो नहीं हो रही है इसमें से, राइट, ऑल डिपॉजिट्स मेड, फर्स्ट करो 10 टाइम्स हमने डिपॉजिट्स किया और अमाउंट को चेक करोगे, हाँ बैंक सही कह रहा है, ऑल चेक्स पेड, और जो पेमेंट किए वो भी इसमें आ रही होगी, तो जो चेक्स हमने इशू किए हैं वो पेमेंट, अदर मिसलिनियस डेबिट, कुछ बैंक भी डेबिट्स क्रेडिट कर रहा होता है अपने बिहाफ पे, कोई सर्विस कोई रेंडर की उसको डेबिट कर दिया बैंक ने, कोई इनकम इंटरेस्ट इनकम हो आपके अकाउंट में हो इसको क्रेडिट कर दिया, वो भी इसमें ये हमें मंथ एंड पे ही पता लग जाएगा। एंड दी रिमेनिंग बैलेंस एट द, इस रिमेनिंग बैलेंस को हम अपने बैलेंस से चेक करेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे यूबीएल बैंक है, कि यूबीएल बैंक में हम क्या कह रहे हैं, हमारा कैश बुक क्या कह रही है और बैंक क्या कह रहा है, ठीक है, तो इसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, उसके डिफरेंसेस के क्या वजूहत है वो अभी डिस्कस करके और फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए वो बताएंगे। नॉर्मली कैश बैलेंस शोन बाय द बैंक, देखो एट द एंड ऑफ द मंथ डज नॉट कोइंसाइड, यानी कि इक्वल नहीं होता विद द कंपनीज एंड ऑफ द कंपनी बैलेंस, देयरफॉर ड्यू टू विच बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट, बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट में, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैंक रिकंसिलेशन इज ए शेड्यूल है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है, बैंक रिकंसिलेशन इज ए शेड्यूल एक्सप्लेनिंग एनी डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट
बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शोन इन द डिपॉजिटर्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है, इट इज मेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ द डिपॉजिटर्स. ये कौन बनाता है? अकाउंटेंट ऑफ द डिपॉजिटर यानी कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो बनाता है, राइट, नहीं बनाएगा, ठीक है. और इसको देखो, मैंने आपको वो बुक के पेज बताया कि जो बैंक रिकंसिलिएशन आपको 296 आपको जो प्रिस्क्राइब है, राइट, तो उसमें भी ये मेंशन है अगर आप लोगों ने परचेज किया, राइट, सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए, क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या बताया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शेड्यूल एक्सप्लेनिंग एनी डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट and the balance shown in the depositors accounting record, okay, it is made by the accountants of the depositors, okay. Ab jo normal differences hai na un sab ko hum discuss karenge, fir then we will solve a question, okay. Ye aap log ne bahut important cheeze hai jo ab discuss ho rahi hai, sab ye yaad rakhni hai, we already discussed, we are taking the revision, okay. नॉर्मल डिफरेंसेस कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बैंक रिकॉर्ड्स एंड द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो आपके नॉर्मल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जो क्या क्या है, मोस्ट कॉमन डिफरेंसेस आर द फॉलोइंग, आउटस्टैंडिंग चेक्स, इसको समझो भी कि व्हाट इज मेंट बाय आउटस्टैंडिंग चेक्स, वी ऑलरेडी डिस्कस, वी टेकिंग रिविजन, याद रखो, तो आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या है, चेक्स इशूड एंड रिकॉर्डेड By the company. देखो जब भी कंपनी चेक इश्यू करेगी, रिकॉर्डेड बाई द कंपनी, ठीक है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, नहीं, जब कंपनी ने इशू किया, चेक किया, क्या तो कंपनी ने क्रेडिट कर दिया, कंपनी तो क्रेडिट करेगी ना, कंपनी इशू कर दिया पेमेंट में, तो क्रेडिट हो जाएगा चेक, ठीक है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट एट मंथ एंड, ऐसा होगा, मंथ एंड क्लोज हो गया, हमने किसी को, किसी पार्टी को, किसी सप्लायर को चेक दिया, किसी इम्प्लाइज को भी हो सकता है, राइट, चेक दिया और हमने क्रेडिट कर दिया, राइट, अब हमें दोबारा डेबिट करने की जरूरत नहीं है, याद रखो, लेकिन वो चेक जो है बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, मंथ एंड हो गया, अप्रैल में चेक इशू किया है, सपोज 25 अप्रैल को, एंड 30 अप्रैल तक सप्लायर ने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है, तो बैंक तो जब वो प्रेजेंट करेगा तो बैंक डेबिट करेगा, राइट, बैंक ने डेबिट नहीं किया, राइट, तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, बैंक का बैलेंस हायर हो रहा होगा इसकी वजह से, आउटस्टैंडिंग चेक की वजह से, चेक प्रेजेंट ही नहीं किया तो बैंक तो डेबिट नहीं कर सका, हमने क्रेडिट कर दिया, तो एक्शन क्या होगा हमारा, देखो बुक आउटस्टैंडिंग चेक्स में हम अपने बैलेंस को नहीं छेड़ेंगे, हमने तो अपनी एंट्री सही किया, ठीक है, अब दोबारा थोड़ी इसको डेबिट करेंगे, एक्शन जो है बैंक बैलेंस को हमने सही करना है, बैंक बैलेंस विल बी करेक्टेड बाय डेबिटिंग यानी कि डिडक्टिंग बाय द आउटस्टैंडिंग चेक्स इनटू बैलेंस, बैंक बैलेंस में से सारे बैलेंस हम डिडक्ट कर देंगे यानी कि डेबिट कर देंगे, ठीक है, बैंक जो क्रेडिट शो कर रहा होता है ना हमारे बैलेंस को, उसकी लायबिलिटी है, हम डेबिट कर देंगे कि भाई ये हमने, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक ने इसको डेबिट करना है, तो हमें रिकंसाइल करने के लिए इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा ना, यानी कि डिडक्ट करना पड़ेगा, राइट, हम तो कर चुके, हमारा तो रिकॉर्ड इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो करेक्ट है, राइट, तो क्या देखें, एक्शन टू बी टेकन, जो भी आउटस्टैंडिंग होंगे बैंक बैलेंस विल बी करेक्टेड By debiting, देखिए by यानी के deducting by the outstanding checks into the bank balance. Clear? Outstanding check clear हुआ? बोलो. Reply. हाँ student. जी सर ठीक है सर. ओके सर ओके सर. Next पे चलो. Deposits in transit. देखो ये भी बहुत चीजें बार बार आएंगी. Deposits in transit. राइट, देखो कैश रिसीट्स रिकॉर्डेड बाय द डिपॉजिटर, कैश उसके बाद डेबिटेड बाय द यानी डेबिटेड यानी उस बैंक में उसने डेबिट कर दिया, ठीक
हम यूबीएल में जमा करा रहे, बट दैट रीच द बैंक टू लेट टू बी एडिट यानी क्रेडिट इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर द करंट मंथ. हमने हमारे पे चेक मिला, हमने कहा कि भाई इसको रिकॉर्ड में ले लिया हमने कि हमने इसको डेबिट कर दिया है यूबीएल बैंक में, और हमने भेज दिया उसको अपने मैसेंजर को कि गो टू द बैंक राइट डिपॉजिट दिस. ठीक है, बैंक के पास वो लेट गया, पहुंचा टू लेट है. बैंक ने स्टैम्प रिसिट तो दे दिया राइट, लेकिन टाइम क्योंकि हो गया था, सपोज ऐसा हो सकता है बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया और वो लास्ट मंथ था, डे लास्ट डे ऑफ द मंथ. ठीक है, लास्ट डे. अब बैंक जो है वो नेक्स्ट डे को जो करेगा वो फिर फर्स्ट की करेगा. ठीक है, फर्स्ट में वो निकाल ले लेगा, क्रेडिट कर देगा उसको. 31 में नहीं करेगा, 30 में नहीं करेगा, पिछले महीने में नहीं करेगा. ठीक है, कैश रिसीट्स रिकॉर्डेड बाय द डिपॉजिटर बट दैट रीच द बैंक टू लेट टू बी एडिट क्रेडिटेड टू द बैंक स्टेटमेंट फॉर द करंट मंथ. अब क्या होगा, जो बैंक स्टेटमेंट भेजी होगी ना उसमें अप्रैल में ये हमने भेजा, लेकिन बैंक ने नहीं दिखाया दिखाएगा कि हमने अप्रैल में इसको क्रेडिट किया, क्योंकि वो तो ले गया मई में है, या मिसिंग होगी. तो बैंक स्टेटमेंट में ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट जो होंगे, इसकी नेचर को आप समझोगे, इसकी वर्डिंग जो होगी पेपर में वो, और आप इसको जो है बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, यानी कि राइट जितने भी डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट होंगे. क्लियर, तो ये एक्शन टू बी टेकन क्या, देखो बैंक बैलेंस विल बी करेक्टेड क्रेडिटेड एडेड बाय द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट इन टू आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स. ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग चेक्स थे या आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स इन टू द बैंक बैलेंस राइट. तो ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट है कि बैंक में ये एड कर दिया जाएगा. ठीक है, वो डिटेक्ट होना था चाहे आउटस्टैंडिंग चेक्स राइट. नेक्स्ट एनएसएफ चेक, जिसका मतलब होता है नॉट सफिशिएंट फंड एंड फॉर नॉन सफिशिएंट फंड. ये कहां पर होगा कि पार्टी आपको कस्टमर आपको चेक दे, ठीक है, लेकिन वो बाउंस हो जाए चेक. पार्टी ने चेक दिया कि भाई ये लीजिए चेक आपकी जो ड्यूज थी, और जब बैंक में जमा कराए तो बाउंस हो गया. क्यों, कि उसके अकाउंट में पैसे ही इनफ नहीं था. 1 लाख का चेक दिया, पता लगा उसके बैंक में 90,000 है, तो बाउंस हो जाएगा ना चेक, तो क्लियर नहीं होगा, वापस आ जाएगा. इसको कहते हैं नॉट सफिशिएंट फंड चेक. व्हेन चेक्स फ्रॉम द कस्टमर्स आर डिपॉजिटेड, बैंक कंपनी के पास चेक आया, कंपनी ने कहा कि हमने ये एचबीएल में जमा करा दिया. ठीक है, जैसे भेजा कंपनी ने ले लिया राइट. व्हेन चेक्स फ्रॉम द कस्टमर डिपॉजिटेड बैंक जनरली गिव्स द डिपॉजिटर इमीडिएट क्रेडिट, सम टाइम वन ऑफ दीज चेक्स मे बी फाउंड अनकलेक्टेबल, यानी कि अनकलेक्टेबल हो गया, यानी कि वो नॉन सफिशिएंट फंड लेटर ऑन बिकॉज द कस्टमर हु रोट द चेक डिड नॉट हैव सफिशिएंट फंड इन हिज और हर अकाउंट. इन सच केसेस बैंक विल रिड्यूस डेबिट द डिपॉजिटर अकाउंट बाय द अमाउंट ऑफ दिस अनकलेक्टेबल आइटम एंड रिटर्न टू द चेक. अब कंपनी के पास जब बैंक स्टेटमेंट आई ना, तो कंपनी को पता लगा ये तो ये फला चेक एनएसएफ हो गया है. तो कंपनी ने जो अपने रिकॉर्ड को अब सही, बैंक ने सही किया, बैंक ने तो उसको क्रेडिट किया ही नहीं होगा, या अगर क्रेडिट किया होगा वापस डेबिट कर दिया होगा. बैंक अपनी जगह सही है, यहाँ पर हमें अपने रिकॉर्ड को सही करना है एनएसएफ चेक से. याद रखो कंपनी बैलेंस विल बी करेक्टेड बाय क्रेडिटिंग, कंपनी बैलेंस अब करेक्ट किया जाएगा एनएसएफ चेक की वजह से. ठीक है, कंपनी बैलेंस विल बी करेक्टेड बाय क्रेडिटिंग यानी कि डिडक्टिंग बाय द एनएसएफ चेक इन टू द कंपनीज बैलेंस. कंपनी के बैलेंस से ये हम वापस इसको हमने जो ले लिया है इसको वापस माइनस करेंगे, वापस क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो तो बाउंस हो गया है. कंपनी ने जो एचबीएल में अगर जमा कराया था वहां पर उसको डेबिट कर दिया था कि एचबीएल में हमारा पैसे ये चेक जमा हो गया, वापस इसको रिवर्स करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि ये बाउंस हो गया चेक, बाउंस हो गया राइट. तो एनएसएफ चेक हमेशा कंपनी के रिकॉर्ड से माइनस होंगे राइट, डिडक्ट होंगे यानी कि क्रेडिट होंगे राइट. एनएसएफ चेक सर्विस अदर चार्जेस क्या है, तो बैंक ऑफन डेबिट्स यानी डिडक्ट, डेबिट करेगा तो डिडक्ट करेगा,
depositors' bank account by a fee for handling small accounts during the month, that is service charges, printing charges, banks miscellaneous debits कर सकता है कि service charges, कोई check issue किया वो debit कर दिया, ठीक है, वो company को जब bank statement मिलेगी तो पता लगेगा यही है, छोटी छोटी amount, minor amount होगी, कोई सेल टैक्स डिडक्ट कर दिया, ठीक है, तो उसको फिर कंपनी अपने रिकॉर्ड को सही करेगी सर्विस चार्जेस से, क्या है देखो एक्शन कंपनीज बैलेंस विल बी करेक्टेड बाय डिडक्टिंग यानी क्रेडिटिंग सर्विस चार्ज इन टू द कंपनीज बैलेंस, ठीक है, तो बैंक के में से ये डिडक्ट करेंगे यानी कि क्रेडिट करेगी कंपनी, कंपनीज बैलेंस विल करेक्टेड बाय द ये सर्विस चार्ज, कोई ज़कात काट लिया, ठीक है, वो सब चीज़ें कंपनी को पता लगा तो ये बात सब उसमें से डिडक्ट कर लेंगे, बैलेंस को करेक्ट कर लेगी कंपनी के रिकॉर्ड में, ये इसका एडजस्टमेंट होगा, याद रखो सर्विस अदर चार्जेस जो बैंक ने डेबिट किया कंपनी के रिकॉर्ड को करेक्ट करना है उससे, फिर इंटरेस्ट अर्न यहाँ पर भी कंपनी के रिकॉर्ड को सही करना, बैंक में हैव क्रेडिटेड द डिपॉजिटर्स अकाउंट बाय सम इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय देम ड्यूरिंग द मंथ ऑन सच डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट है तो उसकी वजह से कोई इनकम क्रेडिट की होगी बैंक ने तो वो हमें पता लगा तो हम अपने अकाउंट में भी इसको डेबिट करेंगे, अपने अकाउंट को सही करेंगे, ऐड करेंगे अपने अकाउंट में, एक्शन टू बी टेकन कंपनीज बैलेंस विल बी करेक्टेड बाय डेबिटिंग यानी कि एडिंग द इंटरेस्ट अर्न इनटू द कंपनीज बैलेंस, राइट, इंटरेस्ट इनकम जो होगी हमें पता लगा कंपनी का बैंक का बैलेंस सही है इसकी वजह से हमने अपने बैलेंस को सही करना है इंटरेस्ट अर्न से। सिक्स क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय द कस्टमर, ऐसा भी हो सकता है एक कस्टमर है आपको चेक नहीं दिया उसने जाके आपके अकाउंट में जमा करा दिया, बैंक के अकाउंट में जमा करा दिया, यूबीएल के अकाउंट आपका चल रहा है वहां जमा करा दिया डायरेक्टली, ठीक है, चेक आपको देने के बजाय, सम टाइम एनी कस्टमर मे हैव डिपॉजिटेड हिज ड्यूज डायरेक्टली इनटू द कंपनीज बैंक अकाउंट, इसको कहते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक, एक्शन टू बी टेकन हमें अपने अब बैलेंस को करेक्ट करना है, कंपनीज बैलेंस विल बी करेक्टेड बाय डेबिटिंग बाय डिपॉजिटर इनटू कंपनीज बैलेंस, ठीक है, कंपनी के में जो फर्ज करो ये एचबीएल का अकाउंट है तो कंपनी फिर एचबीएल के अकाउंट को करेक्ट करेगी अपने के हमारे हिसाब से डेबिट कर देंगे ऐड कर देंगे उसके बैलेंस को, ठीक है, जो डायरेक्ट डिपॉजिट होगा, एक्शन टू बी टेकन कंपनीज बैलेंस विल बी करेक्टेड बाय डेबिटिंग एडिंग बाय डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द कंपनीज बैलेंस, क्योंकि उसका तो बैलेंस सही है इसकी वजह से जो भी डायरेक्ट डिपॉजिट होगा कंपनी अपने बैलेंस को में ऐड करेगी इसको, राइट, नेक्स्ट पे आ जाइए, नंबर 7 एन एरर मेड आइदर बाय द बैंक और इन द कंपनीज कैश, देखो एरर जो है ह्यूमन एरर बैंक का अकाउंटेंट भी कर सकता है और कंपनी का अकाउंटेंट भी कर सकता है, ठीक है, दोनों से एरर हो सकता है, ठीक है, वी आर ह्यूमन बीइंग, तो अब देखना है कि एरर कौन कर रहा है, जब ये डायग्नोस हुआ तो क्या है, देखो एक्शन टू बी टेकन रिस्पेक्टिव पार्टी, इसका मतलब बैंक से गलती हुई तो बैंक का अकाउंटेंट सही करेगा, कंपनी के अकाउंटेंट से गलती हुई तो कंपनी का अकाउंटेंट करेगा, इसलिए लिखा हुआ रिस्पेक्टिव पार्टी विल करेक्ट इट बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है, अगर कंपनी के अकाउंटेंट से गलती हुई है तो वो माइनस या प्लस करेगा एरर की वजह से, आपका बैलेंस इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली वो डेबिट क्रेडिट करेंगे, इसी तरह बैंक भी इसी तरह करेगा, ठीक है, एरर मेड आइदर बाय द बैंक आइदर क्या है एक्शन टू बी रिस्पेक्टिव पार्टी विल करेक्ट इट बाय डेबिटिंग या क्रेडिटिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है, तो ये चीज हमारी सारे मैंने कॉजेज बता दिए, और याद रखो ये बैंक स्टेटमेंट का सवाल करने से पहले ये भी बता दें जनरल एंट्री भाई ये लकीरें कौन मार रहा है, ये देखिए सर ये इफा मैनेजमेंट ये कुछ स्टूडेंट शरारत कर रहे हैं, देख लीजिए जरा जनरल एंट्रीज आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट, देखो याद रखो जब बैंक स्टेटमेंट हम बना लेते हैं तो जनरल एंट्री हम पास करेंगे, ठीक है, मंथ एंड पे, इसको कह लो एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है,
टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी बाई ओनली दोज आइटम्स, लेकिन याद रखो फ्रॉम अबव, हमने जब बैंक स्टेटमेंट बना रहे कुछ क्या कह रहे हो, देखें जर्नल एंट्रीज आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो बना ली, तो हम ये देखेंगे कि जो हमने अपनी बुक्स में एडजस्टमेंट किए ना उनकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, राइट। बैंक में जो एडजस्टमेंट किया है हमने वो तो हम खुद कर रहे हैं ना, उसकी नहीं एडजस्टमेंट पास कर सकते हम, अपनी बुक्स में जो हमारे पास मिस्टेक्स आई हैं ठीक है या लेट उसको हम करेक्ट करेंगे। तो ये देखिए लिखा हुआ है टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी बाय द बाय ओनली दोज आइटम्स, यानी दोज ट्रांजेक्शन फ्रॉम अबव, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए फ्रॉम अबव विच वर एडजस्टेड इन द कंपनीज बैलेंस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए, जो कंपनी के बैलेंसेस को हमने करेक्ट किया ना प्लस या माइनस उसका एडजस्टमेंट हम पास करेंगे इसमें अपनी बुक्स के अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है। जो हमने अपनी बुक्स के अंदर बैंक कैश बुक को जो करेक्ट करने के लिए हमने प्लस माइनस किया एडजस्टमेंट किया, वो एडजस्टमेंट यहाँ होगा ओनली, राइट। ये देखिए जर्नल एंट्रीज आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलेशन के बाद ये बनाई जाएगी, टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी बाई ओनली दोज आइटम्स फ्रॉम अबव विच वर एडजस्टेड इन द कंपनी कैश बैलेंस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलेशन, ठीक है। तो इस तरह ये बैंक स्टेटमेंट एंड हो गया। अब इससे रिलेटेड हम इन ऑल रिस्पेक्ट वी कवर दिस, अब हमने क्वेश्चन आपको सेंड किया है वो निकालो, जिसको कह रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 रिवीजन के तौर पर ये करा रहे हैं, ठीक है। इसको मैं शेयर भी कर रहा हूँ, फिर आप व्हाट्सएप पे देखोगे जब इसको सॉल्व करेंगे। हो रहा है शेयर, हो रहा है क्वेश्चन है? यस सर, हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन हम रिवीजन में कर रहे हैं, है रिवीजन, ये जो 7 इसका मतलब ये 6 हम रिवीजन जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स पे कर चुके हैं। ये सब रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जो चैप्टर हो रहा है, एक कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ बोलान कास्टिंग लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 30th रिवील्ड द फॉलोइंग, ठीक है। एक कंपनी है बैंक अपनी बोलान कास्टिंग, उसने कहा कि बैलेंस एज पर कैश बुक कंपनी का रिकॉर्ड कह रहा है, कोई भी एक्स वाई जेड बैंक होगा कंपनी का रिकॉर्ड कह रहा है कि मिसाल के तौर पर एचबीएल में हमारा 30 अप्रैल को बैलेंस है 65,000, ठीक है। कंपनी ने अकाउंटेंट ने ये बनाया कि 65,000, ठीक है, लेकिन क्या है बैंक की स्टेटमेंट जब आई तो उसने बताया भाई 65,000 नहीं है, बैंक स्टेटमेंट कह रहा है 80,000, राइट। अब वो रिकनसाइल करेंगे ना ये कितना ह्यूज अमाउंट का डिफरेंस है, ज्यादा भी कम भी हो सकता था, राइट। अब देखें हमारा रिकॉर्ड कह रहा है कि एचबीएल में 65,000, बैंक ने भेज दिया 80,000, तो वी विल रिकनसाइल इट, क्या चीज हम मिस कर रहे हैं, राइट। तो अब हमने इसको रिकनसाइल करना है, तो अब हम सारे जो ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे, कुछ ट्रांजेक्शन हमें पता लग जाएगा बैंक स्टेटमेंट ने जो भेजा होगा साथ में। तो देखिए क्या है, पहला ट्रांजेक्शन समझो 1-2 तो दे दिया बैलेंसेस, ए चेक फॉर 34,000 है ये हमें पता लगा, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ है, यानी कि मंथ तो ये महीना है अप्रैल का हो सकता है, 29 तारीख को या 30 तारीख को जमा कराया, वाज रिटर्न डिसऑनर्ड बाई द बैंक, बैंक ने इसको डिसऑनर कर दिया, जब बैंक स्टेटमेंट भेजा ना तो उसने वो चेक भी वापस किया होगा, वो लिखा होगा नॉट क्लियर डिसऑनर्ड, इसका मतलब ये बाउंस हो गया होगा चेक उसके बैलेंस में, कस्टमर ने पैसा चेक तो दे दिया और अकाउंट में पैसे ही नहीं या कम पैसे, तो वो तो रिटर्न हो जाएगा, क्रेडिट कैसे करेगा बैंक उसके अकाउंट को। क्या देखो चेक फॉर 34,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ वॉज नॉट, नहीं चेक ऑफ 34,000 डिपॉजिट इन द बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ वॉज नॉट क्लियर्ड बाई द बैंक, क्या है
पहला ट्रांजेक्शन मैंने क्या देखिए, ए चेक फॉर 34,000 डिपॉजिटेड इन टू द बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ वॉज नॉट क्लियर्ड बाई द बैंक। ये दूसरे, ये वो बाउंस वाला चक्कर नहीं है, ये है चेक इतना डिपॉजिट इन द बैंक में डिपॉजिट करा है लेकिन बैंक ने अभी उसको क्लियर नहीं किया, राइट यानी कि क्लियर नहीं किया, बैंक में हमने चेक जमा करा है लेकिन बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया। इसकी वजह ये हो सकती है कि भाई वो लास्ट डे को कराया, वो उसने क्लियर नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, इसका मतलब नहीं क्लियर, बैंक डिपॉजिट कराया ना, डिपॉजिट का मतलब कि वो जमा होगा, तो क्लियर नहीं किया यानी कि क्रेडिट नहीं किया उसने, हमने तो डेबिट किया हुआ है, राइट। इसका एडजस्टमेंट हमारा जो है फर्स्ट, ये जो थर्ड है इसका एडजस्टमेंट कहाँ पर आएगा बताओ, कौन बैंक में बताएगा आएगा सर, बैंक के रूप में आएगा। है, क्या कह रहे हो बैंक में जो है, आएगा ये सर, बैंक से। बैंक में चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ वाज नॉट येट क्लियर, दिस मींस इट विल बी एडेड, ठीक है ना, इनटू द बैंक बैलेंस में ऐड हो जाएगा। फिफ्थ पांचवा क्या, चेक फॉर फिफ्थ, अब आ जाओ, ए चेक फॉर 50,000 इशू टू अली अहमद, देखो कह रहा है चेक फॉर 50,000 इशू टू अली अहमद, एक सप्लायर था, चेक फॉर इतना वाज इशू टू अली अहमद, सप्लायर है ना, हम उस चेक उसको देंगे, हम कोई चीज हमने खरीदी थी पास्ट में, हैज नॉट सो फार बीन प्रेजेंटेड इन द बैंक, हमने पेमेंट दिखा दिया, ये 50,000 का चेक हमने दे दिया अली अहमद को, सप्लायर को, राइट। तो हमने क्या किया कि उस बैंक के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कि हमने चेक इशू कर दिया एचबीएल को सपोज, लेकिन इस अली अहमद ने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, तो इसलिए क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग चेक हो गया है, ये आउटस्टैंडिंग चेक हो गया, ठीक है, हमने तो अपनी जगह सही है, ये अल्टीमेटली तो डेबिट होना ना उसके अकाउंट में, वहां पर बैंक डेबिट करेगा इसको, लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं किया इसलिए हम इसके बैंक के स्टेटमेंट से इसको माइनस करेंगे, समझ गए ना, बैंक के स्टेटमेंट को हम माइनस करेंगे। तो ये देखो मैं इस पे आप आ जाता हूँ कि सर एक दफा एंट्री सारी डिस्कस कर लें, फिर एक ही दफा अगर। सही, मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए चेक फॉर 50,000 इशू टू अली अहमद, एक सप्लायर है उसको चेक हमने दे दिया, ठीक है, पेमेंट का चेक देना था उसको, हमने इशू कर दिया, अब उसने चेक जो है सपोज 25, 26, 27 तारीख को हमने पेमेंट किया है, अब अप्रैल का महीना क्लोज हो गया, 30th गुजर गई है, लेकिन उसने प्रेजेंट नहीं किया, राइट, प्रेजेंट करता तो बैंक उसको डेबिट करता ना और पैसा दे देता उसको, उसने प्रेजेंट नहीं किया, मंथ एंड हो गया, राइट, तो अब क्या हुआ कि मंथ एंड पे ये चेक रिड्यूस नहीं हुआ, ये चेक रिड्यूस नहीं हुआ बैंक अकाउंट से, रिड्यूस नहीं हुआ बैंक अकाउंट से, ये रिड्यूस नहीं हो सका है, अल्टीमेटली तो होना ही है इसने लेकिन अभी नहीं हुआ अप्रैल के महीने में है, कंपनी का रिकॉर्ड अपनी जगह सही है, बैंक ने तो कंपनी ने अपने अकाउंट से उसको क्रेडिट कर दिया यानी कि रिड्यूस कर दिया, बैंक ने डेबिट करना था नहीं किया, तो अब इसको किस क्या करेंगे कि बैंक के अकाउंट से ये माइनस होगा है, बैंक के अकाउंट से माइनस होगा, ये जो ये है हमारा आउटस्टैंडिंग चेक से बैंक के अकाउंट से ये माइनस होगा 50,000, ठीक है, अप्रैल के महीने में, ठीक है, क्लियर हो गई बात, जी सर, यस सर, क्लियर है सर। चलो अब आप आ जाओ इसके में ये, ताकि साथ साथ हम करते जाएं, और
सर ये एंट्रीज एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने लास्ट वीक पढ़ाया था ना, तो जो जो जिस जिस बुक में चेंजिंग थी उसमें आपने साथ साथ मेंशन कर दिया था। साथ साथ अब कर रहे हैं, ठीक है वही मैं कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमने ये लिया, ये मैं रिपीट ये इसको शेयर कर रहा हूँ फाइल को। देखिए फाइल शेयर हो रही है सॉल्यूशन की। बोला जी सर, हो रही है सर। बोलान कास्टिंग लिमिटेड बैंक रिकर्स स्टेटमेंट एज ऑन, ठीक है हमेशा इसको लिखोगे मंथ की लास्ट डेट में एज ऑन या एज एट। देखो सबसे पहले शो किया बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, देखो क्वेश्चन में गिवन है। अब आप जरा उस पर देखो व्हाट्सएप पे, शाबाश उसको निकाल लो। ठीक है लिया, देखो मैंने भेजा है नहीं भेजा है। नहीं सर, ये उधर तो नहीं है, ग्रुप में तो नहीं है। और मेरा ख्याल है वो दोनों ही एक ही सवाल चले गए। खैर जस्ट ए मिनट, देखो अब मिल गया ग्रुप में आ गया। देखो नहीं सर, अभी तो नहीं आया। सर वो पिफा वाले ग्रुप में कर देना, बिजनेस अकाउंटिंग का जो पिफा ने बनाया वो उसमें कर देना। अभी नहीं आया, आ जाना चाहिए था। सर वो बेसिक अकाउंटिंग वाले ग्रुप में कर दें। अच्छा ये अकाउंटिंग, भेज दिया। अब जी हो देखो गया सर, आ गए। थैंक यू, आ गए सर। आगे ठीक है तो देखें ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है तो ये देखिए आपने देखा कि ठीक है बैलेंस एज पर ये हमने हेडिंग दे दिया कैश बुक बैंक बुक। ठीक है आपको ये आसान तरीका भी मैंने बता दिया, एक वो स्टेटमेंट की शक्ल में भी बताया था। ठीक है बैलेंस एज पर कैश बुक देखिए कितना आ रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक 65,000 और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है सर बैंक बुक 80,000 है। सबसे पहले ये लिखोगे, ठीक है बैंक बुक को हम पासबुक भी कहते हैं याद रखो। ठीक है अब देखो पहला ट्रांजेक्शन है जो थर्ड वाला था जो अभी डिस्कस किया हमने। देखिए क्या है, चेक फॉर 34,000 डिपॉजिटेड इन टू द बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ वॉज नॉट येट क्लियर्ड बाई द बैंक, राइट नॉट क्लियर्ड। इसका मतलब है कि ये जो थर्ड है ये हमने जो अभी पढ़ा है
कि डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट हो गया ये, राइट, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट हो गया ये थर्ड वाला, ठीक है। तो ये 34,000 हमने इसको बैंक में जमा प्लस कर दिया, ठीक है, देखो पॉजिटिव साइन में शो कर रहे हैं, ठीक है। डिपॉजिट्स ऐड, डिपॉजिट इन ट्रांजिट वन बाई वन। अब ट्रांजेक्शन नंबर फोर लो, देखो ट्रांजेक्शन नंबर फोर क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर फोर, चेक फॉर 7,000 रिसीव फ्रॉम द ए बी। हाँ, ट्रांजेक्शन नंबर, चेक फॉर रुपीज 7,000 रिसीव फ्रॉम ए बी सन्स एंड डिपॉजिटेड इन टू द बैंक वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड बाई द बैंक। बैंक ने इसको डिसऑनर कर दिया, ठीक है, बैंक ने अपनी जगह काम सही किया हुआ है, ठीक है। हमने जब बैंक में भेजा होगा तो इसको डेबिट कर दिया होगा, अब हमें इसको अपने अकाउंट से जो भी डिसऑनर्ड चेक होंगे, यानी कि इसका मतलब है कि वो एनएसएफ चेक है, नॉट सफिशिएंट। आवाज से आ रही है सर, क्या कह रहे हो? हाँ, क्या कह रहे? ठीक है सर, सही है, आवाज आ रही है। ये ले, आपने इसको माइनस कर दिया, आप नजर आ रहा है ना फिगर, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही है सर, क्लियर है आवाज अब। ठीक है, देखो 7,000 डिसऑनर्ड चेक यानी कि एनएसएफ चेक विल बी डिडक्टेड फ्रॉम अवर रिकॉर्ड, है, आपको भी बताया कि एक्शन कहाँ पे लिया जाएगा, है, बैंक ने तो सही किया हुआ है, हमने अकाउंट को, अपने अकाउंट को सही करना है ना, क्योंकि पहले हम ऐड कर चुके होंगे, तो इसीलिए माइनस कर रहे हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। फिफ्थ क्या है, देखो, चेक फॉर 50,000 इशू टू अली अहमद सप्लायर हैज नॉट सो फार बीन प्रेजेंटेड इन टू द बैंक फॉर पेमेंट, ठीक है। हमने सप्लायर को चेक दिया, ठीक है, हमने जो एक्शन लिया आप सही लिया, हमने हमने इसको क्रेडिट कर दिया, लेकिन बैंक में वो प्रेजेंट नहीं किया उसने अप्रैल के महीने में से, राइट, महीना क्लोज हो गया, अब उसने स्टेटमेंट भेजी, इसकी वजह से ओवर स्टेटमेंट हो रही है, बैंक का अकाउंट ओवर स्टेटमेंट हो रहा है, ठीक है। पेमेंट का चेक था ना ये, चेक फॉर 50,000 इशू टू अहमद अहमद ए बी अहमद टू अली अहमद सप्लायर है ये, हैज नॉट सो फार नॉट सो फार प्रेजेंटेड, अपने को चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया उसने, तो पेमेंट नहीं बैंक ने दिखाई, डेबिट नहीं किया, तो अब हमने इसको इसको कहेंगे अनप्रेजेंटेड चेक या आउटस्टैंडिंग चेक है ये आउटस्टैंडिंग, जितने भी आउटस्टैंडिंग चेक है वो बैंक के अकाउंट से माइनस होंगे, ठीक है। तो ये फिर इसको हमने आउटस्टैंडिंग चेक को क्या करेंगे, बैंक के अकाउंट से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो गया 50,000, देखो लेस, या देखो लेस लिख रहे, कहाँ से हो रहा है लेस, 50,000 अनप्रेजेंटेड यानी कि आउटस्टैंडिंग चेक 50,000 बैंक के अकाउंट से माइनस कर दिया इसको, क्योंकि उसने नहीं किया अभी तक। अब देखो सिक्स पे आ जाओ, सिक्स क्या है, बैंक डेबिट ऑफ 2,000 फॉर जकात डिडक्शन, बैंक ने जकात डिडक्ट कर ली आपके अकाउंट से, ठीक है, कंपनी के अकाउंट से 2,000 रुपये जकात डिडक्ट कर ली, राइट। तो अब हम हमने अभी नहीं किए, ठीक है, जो उसने बैंक ने जकात डिडक्ट कर ली, तो अब हमने अपने अकाउंट से फिर इसको माइनस करेंगे ना, अब इसके जकात को हमने क्या किया, फिर ये देखिए 2,000 हमने इसमें से अपने अकाउंट से डिडक्ट कर लिए, पेमेंट दिखा दी क्या एच बी एल के अकाउंट में, ये माइनस हो गया, ठीक है, जो भी जकात डिडक्शन है वो इसमें हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। फिर सेवन्थ पे आए, बैंक बैंक क्रेडिट ऑफ रुपीज 7,000 फॉर इंटरेस्ट इनकम, बैंक ने आपको इंटरेस्ट इनकम दे दी है 7,000, ये हमारे अकाउंट में प्लस होगी, बैंक तो कर चुका है, हमने अकाउंट को सही करना है, ठीक है, इसलिए ये कहा हमने ऐड इंटरेस्ट इनकम जो होगी हम अपने अकाउंट में ऐड करेंगे, ठीक है, ये सब हमें पता लग रहा है जब हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है, क्योंकि हमने इसको ऐड कर दिया इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, 7,000 ऐड हो गई, और आगे चले, ठीक है, यहाँ तक सेवन तक क्लियर हो गया सबको? जी सर। एट क्या है, देखो सर, क्लियर है सर। एट में देखो डायरेक्ट डिपॉजिट, सब पढ़ाया अभी आपको, डायरेक्ट डिपॉजिटेड
बाय द कस्टमर इनटू बैंक फॉर 34,000। भाई क्या करेंगे इसका? कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, तो ये कैश बुक प्लस में करेंगे, कैश बुक में प्लस हो जाए, डायरेक्ट डिपॉजिट हमारा बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा ना। ऐड करेंगे कहाँ पर, कहाँ पर ऐड करेंगे इसको? कैश बुक में सर, कैश बुक में कंपनी के रिकॉर्ड को ऐड किया, 34,000 है, तो हमने कहा ऐड डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, बाय द कस्टमर ठीक है, और जाहिर ये अकाउंट रिसीवेबल है ठीक है यहाँ। और आगे क्या है, नेक्स्ट पे चलो। नाइन, बैंक सर्विस चार्जेस। अब बैंक ने सर्विस चार्जेस भी डेबिट कर दिया, इसका मतलब है तो अब हमने अपने अकाउंट को सही करना है ना, जो सर्विस चार्जेस होंगे बैंक के, तो बैंक कर चुका है हमें अब पता लग रहा, तो हमने अब इसमें से माइनस करना है। लेस कंपनी के रिकॉर्ड को सही करेंगे हम, सर्विस चार्जेस से माइनस हुआ 3,000 इससे भी ठीक है, क्लियर। अब आगे चलो टेंथ में, डिविडेंड, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक ऑफ 10,000। कंपनी को कोई किसी कंपनी ने डिविडेंड पे किया और वो जो है उसने डायरेक्ट आपके समझो अकाउंट में क्रेडिट करवा दिया। देखो डायरेक्टली डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने किसी के बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट किया ठीक है। अब हम इसको अपने अकाउंट में प्लस करेंगे, डेबिट करेंगे ठीक, बैंक ने तो कर लिया इसलिए ये भी ऐड होगा हमारे अकाउंट में, इनकम जो हो रही है डेबिट हो गई है कि उसी के बिहाफ पे, तो ये 10,000 हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। फिर इंश्योरेंस चार्जेस क्या है, 11वां फिर है, इंश्योरेंस चार्जेस डायरेक्टली पेड बाय द बैंक, बैंक ने डायरेक्टली इंश्योरेंस चार्जेस जो थे ड्यू हुए पे कर दिया बैंक के बिहाफ पे, इट रिवील्ड इन बैंक स्टेटमेंट एट मंथ एंड ठीक है। कंपनी ने अथोराइज किया हुआ होगा, इंश्योरेंस चार्जेस जैसी नोटिस आया बैंक ने पे कर दिया। अब हमने अपने अकाउंट को सही करना है ना, हमने इसमें से डिडक्ट करेंगे इंश्योरेंस चार्जेस को राइट, तो लेस इंश्योरेंस चार्जेस दिस विल बी डिडक्टेड, इंश्योरेंस चार्जेस ठीक है, क्लियर। सब चीजें देखो जो मैंने वो जो रीजंस बताए सब उसी में फॉल हो रही है, कोई भी एरर हो रहा है, कोई भी डिफरेंस वगैरह आ रहा है, कॉज आ रहा है, वो उसी नोट्स के अंदर फॉल हो रहा है जो मैंने 6-7 नोट्स पढ़ाए आपको अभी। लास्ट क्या है, ए डेबिट मेमोरेंडम फॉर 10,000 अकंपनीड विद द बैंक स्टेटमेंट फॉर लॉकर रेंट ऑफ एग्री ऑटो। देखो ये कंपनी हमारी है बोलान कास्टिंग, एग्री ऑटो का एक मेमोरेंडम डेबिट मेमोरेंडम है कंप्लीट बाय द बैंक ठीक है। कंपनी ने एक डेबिट किया है लेकिन था वो एग्री ऑटो, बैंक हैड इरोनियसली गलती से चार्ज टू द बोलान कास्टिंग लिमिटेड, ये बैंक की गलती है ना, ये तो बैंक की गलती है, इसको हम ये एरर जो है वो हम उसको सही करेंगे बैंक के अकाउंट को। बैंक ने गलती से जो एग्री ऑटो के मैं को डेबिट करना था कर दिया है बोलान कास्टिंग्स को ठीक है, तो हमारे अकाउंट में तो इफेक्ट नहीं किया ना ये, ये हमने देखो 10,000 वापस ऐड करेंगे इसको, उसने यानी कि डेबिट कर दिया यानी कि माइनस कर दिया था, वापस ऐड कर दिया यानी कि क्रेडिट कर दिया इसको ठीक है। अब हमें जब ये देखो सारी जो रीजंस थे वो हमने सब डिस्कस किए और सब उसी में फॉल हो रहे हैं जो मैंने आपको नोट्स दिए 7 ठीक है। अब हम अगर इसको एडजस्ट टोटल करें तो ये टाई अप होना चाहिए ठीक है, टाई अप होना चाहिए, तो इसको हम देखते हैं एडजस्टेड, इसको कहेंगे एडजस्टेड कैश बैलेंस इक्वल आना चाहिए ठीक है। तो देखा कि ये कितना आ गया 74,000, यहाँ से हमने प्लस माइनस प्लस किया, जो माइनस हो रहा था ऑटोमेटिकली प्लस करने से माइनस हो जाएंगे 74,000, और इसको भी प्लस किया तो देखा कि ये भी 74,000 हो गया, तो ये रिकनसाइल हो गया ठीक है, हमारा बैलेंस जो है रिकनसाइल हो गया बैंक से, रिकनसाइल हो गया ठीक है, करेक्ट हो, क्लियर हो गया सबको।
जी सर, क्लियर है। राइट अब आपका देखो पार्ट बी इसका क्या है, पार्ट बी क्वेश्चन का पार्ट बी, रिक्वायर्ड पार्ट बी देखिए। पास ये जरूर आएगा है, पास द जनरल एंट्री इन जनरल 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 टू एडजस्ट द अकाउंट्स ऑन अप्रैल। आप देखो अब हमने जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है, तो कैसे पास करोगे, देखो बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रहा हूं आपको। पहले ये देखो कि ये याद रखो जो जनरल एंट्री पास होंगी उन उन ट्रांजेक्शन की जो जिनको हमने बुक्स में अपनी कैश बुक में एडजस्ट किया है, कंपनी के रिकॉर्ड को जो करेक्ट किया है उसकी एंट्री होगी है, बैंक के रिकॉर्ड की, बैंक में तो नहीं हम के बैंक की रिकॉर्ड को तो नहीं हम करेक्ट कर सकते ना, हमने अपने बैंक जो एडजस्टमेंट किया है ना प्लस कहाँ कहाँ हो रहा है। देखो हमारे देखो 7,000 एक ये इंटरेस्ट इनकम ऐड हुआ है, और ये डायरेक्ट डिपॉजिट 34,000 ऐड हुआ है, और 10,000 डिविडेंड इनकम है, ये तीन से हमारा कैश इंक्रीज हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इनको एडजस्ट करना है, ठीक है, इनकी वजह से कैश बढ़ रहा है ना। देखो इंटरेस्ट इनकम, जाहिर है जब इंटरेस्ट इनकम होगा तो क्रेडिट करेंगे ना इंटरेस्ट इनकम को। ये देखो इंटरेस्ट इनकम, ये जो हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 7 है इंटरेस्ट इनकम है, ट्रांजैक्शन नंबर 7, चाहे इसको आप यहाँ पे ऐसे भी कर लिख सकते हो, ये देखो ट्रांजैक्शन 7 इंटरेस्ट इनकम पहले ये देखो, फिर दूसरा है 34,000 डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। भाई जब कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया तो हम कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ना, कैश डेबिट। देखो एंट्री पहले की एंट्री क्या हुई, इंटरेस्ट की, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। सेकंड वाले की एंट्री क्या हुई, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये अकाउंट रिसीवेबल को हमने क्रेडिट कर दिया, सिंपल, ठीक है, कैश डेबिट इसी में प्लस हो रहा है, ठीक है इनका। और डिविडेंड इनकम एक कंपाउंड एंट्री पास कर रहे हैं ना हम, कहने का मकसद है जो कैश जो प्लस हुआ। थर्ड भी देखिए 10,000 डिविडेंड इनकम, तो देखो डिविडेंड इनकम क्रेडिट है और कैश डेबिट वही सर इसमें आ गया, तो इन तीनों का टोटल हमारा क्या है 51,000। ये देखो 51,000 कंपाउंड एंट्री पास कर दी, तो रिकॉर्ड क्रेडिट अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट अकाउंट हो रहे थे उनको रिकॉर्ड कर लिया, ये एक नरेशन ऐसी दे दी तो रिकॉर्ड क्रेडिट अकाउंट, जो क्रेडिट अकाउंट्स क्रेडिट हुए उनका प्लस आपको ही आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ भाई ये सर क्लियर है सर, ठीक है, और फिर ये तो हो गया एंट्री एक पास हो गई। अब हमारे जो अकाउंट हमने जो अपने अकाउंट को कैश को जो क्रेडिट किया है वो किस किस से, देखो बी पहला तो देखो डेबिट वापस, पहला देखो ये एनएसएफ चेक, एनएसएफ चेक हो गया जब तो हम कस्टमर को फिर वापस डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, कस्टमर को वापस डेबिट कर दिया है, समझो रिवर्स कर दिया हमने। देखो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, फिर ज़कात एक्सपेंस है तो डेबिट, देखो ज़कात को डेबिट किया, पहले अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ 7,000 से, हमने वापस इसको अकाउंट रिसीवेबल को रीइंस्टेट कर दिया, समझो अकाउंट रिसीवेबल को 7,000 से, ठीक है। फिर ज़कात है 2,000 है, 6 नंबर ज़कात हमने डेबिट किया, टू थाउजेंड से, और फिर क्रेडिट कर दिया कैश को। उसके बाद फिर है बैंक सर्विस चार्जेस, बैंक सर्विस चार्जेस आपके 3,000 है, ये हमने डेबिट किया है बैंक सर्विस चार्जेस, उसके बाद है इंश्योरेंस चार्जेस,
ये भी डेबिट हुआ है, ठीक है, इन सब से ये एक्सपेंसेस हुए, इंश्योरेंस चार्जेस, क्लियर। और इन सब का इफेक्ट क्या हुआ कि इंश्योरेंस चार्जेस ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल रीइंस्टेट किया, ज़कात एक्सपेंस डेबिट किया, बैंक सर्विस चार्ज इंश्योरेंस चार्जेस, इन तीनों का सम पेमेंट हो गई 42,000। क्लियर, जनरल एंट्री क्लियर हो गई टू रिकॉर्ड डेबिट अकाउंट्स। बोलो कम टू द, ठीक जी सर। है। और ये आपको पहले भी बताया था कि बैंक में, अब बैंक अपनी जो शो करेगा ना बैलेंस शीट, ठीक है, देखो इस एंट्री से हमारा बैलेंस बुक्स के बैलेंसेस भी करेक्ट हो गए, और हमने जाहिर है जो एडजस्टेड बैलेंस है वो शो करेंगे ना। सवाल है कि आपका क्वेश्चन थर्ड जो है पार्ट थ्री इसका, ठीक है, प्रिपेयर जनरल एंट्री, फिर स्टेट द अमाउंट ऑफ ऑफ कैश देयर शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन अप्रैल 30। तो बैलेंस शीट में क्या शो होगा, याद रखो हमेशा एडजस्टेड कैश बैलेंस शो होगा जो कि 74,000 है। क्या लिखा है इसमें, टू दी एडजस्टेड कैश बैलेंस दैट इज 74,000 शुड बी रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट ऑन अप्रैल 30, 2021, ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब बैंक स्टेटमेंट आपको बनाना बिल्कुल अच्छी तरह आप आ जाना चाहिए, है वो चैप्टर वो पहले ही सेंड किया हुआ है, उसको पढ़ो, ये सवाल भी करो, और पिछले जो सवाल कराए मैंने दो तीन वो भी, ताकि आपकी तैयारी सही तरह हो सके। तो अब इसका हमने नेक्स्ट टॉपिक इसका ले रहे थे, ये भी आज ही करना है, अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट, ठीक है, तो शेयर कर रहा हूँ मैं आपको, अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट, फास्टली वी कवर दिस, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1:30 बजे तक ये करना है सब। देखिए अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट इन्वॉल्व शेयर हो रही है ना फाइल, फाइल शेयर हो रही है। देखिए जी सर हो रही है सर। अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट, वो ट्रेड ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट दैट इज, इसको एक्सप्लेन किया है, ट्रेड ऑफ कीप इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट एज लॉन्ग एज इट्स फाइनेंशियल बेनिफिट गेट्स हायर देन द कॉस्ट। याद रखो जब हम सेल करते हैं ना अकाउंट्स रिसीवेबल पे, अकाउंट रिसीवेबल में हम जब क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं ना, तो हम समझो उसकी क्रेडिट पे सेल करना भी एक कॉस्ट इनकर होती है, क्योंकि हमारा पैसा डिले हो गया, लेट मिलेगा, ठीक है। नंबर टू, कुछ परसेंट 100 में कम से कम 1-2% तो ऐसा है कि बैंक बैंक वो भी हो सकता है कि बैड डेट्स हो जाए, वो कस्टमर पे ही नहीं करे हमें, 1-2% उसका भी रिस्क ले रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कीप इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट एज लॉन्ग एज फाइनेंशियल बेनिफिट गेट्स हायर देन द, फाइनेंशियल बेनिफिट हमारा क्या हो रहा है कि भाई हमारी सेल इंक्रीज हो रही है, राइट, लेकिन हमने सेल इंक्रीज इस तरह कर दिए कि हमारा फाइनेंशियल बेनिफिट ज्यादा हो एज कंपेयर टू द कॉस्ट, यानी कि जो लॉसेज है ना उसके मुकाबले में, ए वेरी लिबरल, देखो ये इसको आपको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेरी लिबरल पॉलिसी, वेरी लिबरल पॉलिसी क्रेडिट पॉलिसी इंक्रीज सेल्स, यानी कि जो आया कस्टमर हमने उसको क्रेडिट, जिसने डिमांड किया क्रेडिट कर दिया, तो सेल इंक्रीज हो जाएगी डेफिनेटली, बट आल्सो इनहांस द बैड डेट, लेकिन बैड डेट्स एक्सपेंस भी इंक्रीज होंगे, कोई पैसे ही नहीं दे रहे, राइट, पैसे ही नहीं मिल रहा आपको। याद रखो एक कंपनी थी दीवान मोटरसाइकिल, दीवान मोटरसाइकिल,
कंपनी सिर्फ इसी वजह से बंद हो गई, दीवान मोटरसाइकिल कंपनी, के उन्होंने क्रेडिट पे बगैर सोचे समझे कस्टमर को क्रेडिट पे मार्केटिंग मैनेजर दिलवाता रहा, बाद में वो पैसा रिकवर ही नहीं हो सका, इतना पैसा फंस गया कि बैंक कंपनी बैंक करप्ट हो गई, कंपनी बंद हो गई, दीवान मोटरसाइकिल। तो वेरी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी इंक्रीज सेल्स डेफिनेटली, बट ऑल्सो इनहांस बैड डेट रिस्क, एंड ऑन दी अदर हैंड एक कंजर्वेटिव, हम दे ही नहीं रहे किसी को क्रेडिट पे माल, पॉलिसी रिड्यूस बैड डेट्स एक्सपेंस बट ऑल्सो डिक्रीज द सेल्स, सेल भी डिक्रीज, दस एवरी कंपनी प्रिपेयर्स ए क्रेडिट पॉलिसी फॉर मैनेजिंग द अकाउंट रिसीवर। ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी कंपनी बनाएगी, तो वो क्रेडिट पॉलिसी क्या, देखो ये इसको आपने समझना है, क्रेडिट पॉलिसी क्या है, इट इज ए गाइडलाइन दैट एक्सप्लेन दैट, ये फाइल में होगी, मैनेजमेंट ने बनाया होगा, डिसाइड विच कस्टमर्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी क्रेडिट कलेक्शन, क्रेडिट लिमिट ये बनाया होगा, क्रेडिट सिलेक्शन, क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट पीरियड, एडवांस डिपॉजिट एंड कलेक्शन पॉलिसी, ये है क्रेडिट पॉलिसी। है क्रेडिट सिलेक्शन क्या है, टू डिसाइड अबाउट ए पर्टिकुलर दैट व्हाट आर दैट वेदर ही शी इज एलिजिबल टू बाय द कंपनी प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट सिलेक्शन, कस्टमर की सिलेक्शन हम कर रहे हैं, कौन कौन सा कस्टमर को हम क्रेडिट पे माल दे सकते हैं, है वो कैसे सिलेक्ट कर रहे होंगे, उसकी उनकी वर्थ देख रहे होंगे, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन देख रहे होंगे, उनका करेक्टर देख रहे होंगे, फिर हम उसमें से सिलेक्शन करेंगे कि विच विच कस्टमर इज एलिजिबल टू बाय ऑन क्रेडिट। ठीक है, सेकेंड है क्रेडिट लिमिट, फिर ये भी डिसाइड करेंगे विच विच कस्टमर भी पेड क्रेडिट लिमिट, हमने हर कस्टमर की क्रेडिट लिमिट फिक्स कर दी, ये कस्टमर ज्यादा से ज्यादा इतना क्रेडिट में माल ले सकता है, उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए, है उसकी फाइनेंशियल की भाई वो रीपे भी कर पाएगा, क्रेडिट लिमिट एस्टैब्लिश द रुपीज अ फिगर फॉर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट यू आर विलिंग टू ग्रांट टू ए पर्टिकुलर कस्टमर, कस्टमर वाइज ये फिक्स करेंगे क्रेडिट लिमिट, इट मे वेरी कस्टमर टू कस्टमर, क्रेडिट पीरियड टोटल लेंथ ऑफ टाइम अलाउड टू द क्रेडिट बायर टू पे विद इन द दैट पीरियड टू हिज फॉर हिज क्रेडिट परचेज, यानी कि उसको लिमिट दे दिया कि भाई आप जो है 20 दिन में आपको पे करना है, आपको 25 दिन में पे करना है, आपको एक महीने में पे करना है, ठीक है, क्रेडिट पीरियड दे दिया, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्रेडिट पीरियड अंटिल फुल पेमेंट इज ड्यू। फिर क्या है, एडवांस डिपॉजिट, कुछ कस्टमर से मैं एडवांस ले सकते हैं, जहां पर हमें न्यू कस्टमर है कि भाई आप एडवांस जमा कराओ फिर हम आपको क्रेडिट पे माल देंगे, क्योंकि वो एक लाइबिलिटी होगी, लेकिन कस्टमर कंपनी के पास उसका पैसा होगा, यू मे रिक्वायर फॉर कस्टमर टू पे ए पोर्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू इन एडवांस बिफोर क्रेडिट सेल इज मेड। ठीक है, ये भी एक सेफ्टी हो जाएगी। कलेक्शन पॉलिसी क्या, देखो लास्ट ये याद रखो, ये लास्ट पर इट इज डिफाइंड एज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाई कलेक्ट द अकाउंट रिसीवर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द क्रेडिट, एक्सपायरी हो गई अब कैसे कैसे पैसा कलेक्ट करेंगे, ये क्रेडिट कलेक्शन पॉलिसी में इट इज द फाइनल एलिमेंट इन क्रेडिट पॉलिसी, वेराइटी ऑफ कलेक्शन प्रोसीजर में भी इसमें क्या होगा, अमाउंट ड्यू दीज में इंक्लूड लेटर राइटिंग, हमने कस्टमर को लेटर भेजा है, एक मेमो भेजा भाई प्लीज पे योर अमाउंट इज ओवर ड्यू, फिर टेलीफोन भी किया फिर भी नहीं माना वो, पर्सनल विजिट्स हमने अपने एग्जीक्यूटिव को भेजा उसके दुकान पे, उसके घर पे, उसके ऑफिस पे, भाई ये पेमेंट कर दो, ओवर ड्यू हो गया, जब भी नहीं हुआ, फिर हमने क्या, हमने कलेक्शन एजेंसीज को फायर कर लिया, ठीक है कि भाई ये फला है इससे पैसा रिकवर करो, है उसके बाद फिर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं कि हमने केस को अदालत में ले गए भाई इतना पैसा इससे ड्यू है, तो अदालत फिर फैसला करेगी। ठीक है, तो ये सब हमारी कलेक्शन पॉलिसीज बात है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री क्या होती है, देखो जब भी हम माल क्रेडिट पे देंगे, यू नो वेल अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री होगी अकाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट पे आइए, देखो जब चीज अकाउंट रिसीवेबल पे हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है ना, हमें पता है कि कुछ पैसा जो है वो बैड डेट्स हो सकता है। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन, ये जस्टिफाइबल नहीं है कि हम फुल अमाउंट को बैलेंस शीट में शो करें, बिकॉज अकाउंटेंट इज कंजर्वेटिव, राइट। तो हमने देखना है कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल में
पैसा आ रहा है 9 लाख रुपए, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल में। अब ईयर एंड हो गया तो हमने अब इसको शो करना है। वी नो कि सम बैलेंस मे बी पास्ट एक्सपीरियंस है, मे बी बैड डेट्स, ठीक है, 1% या 2%, तो हम उसके लिए उसको ग्रॉस अमाउंट में नहीं शो करना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का, क्या क्या, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड और अलाउंस मेथड। ये पहला के डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में हम कोई अलाउंस क्रिएट नहीं किया। हमें अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, पता लग गया, श्योर हो गया ही विल नॉट पे, ही शी विल नॉट पे, तो हम उसको फिर डायरेक्ट राइट ऑफ करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोसीजर नहीं है। दूसरा क्या है, हमने अलाउंस क्रिएट किया हुआ है सेकंड, ठीक है। दो तरीके होते हैं, तो पहला तरीका क्या, देखो डायरेक्ट राइट ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एज एंड व्हेन स्पेसिफिक अकाउंट इज कंसीडर्ड टू बी अनकलेक्टेबल, तो हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका, और फिर इसकी एंट्री पास कर दी, जब बैड राइट ऑफ किया तो हमने कहा बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अलाउंस तो क्रिएट ही नहीं किया, ठीक है, जनरल एंट्री पास कर दी। इसको बैड डेट्स को हम ये भी लिख सकते हैं अनकलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस, ठीक है, अनकलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, अनकलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस। अच्छा, अब इसमें जैसे नाम भी दे सकते हैं भाई वो कौन है पर्टिकुलर, ठीक है, एंट्री हो गई। अब क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल रिड्यूस हो गया और ये हमारा चला गया इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट्स एक्सपेंस के नाम से, या अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस। टू रिकॉर्ड राइट ऑफ ऑफ मिस्टर जुनेस अकाउंट एज हिज अकाउंट इज अनकलेक्टेबल, बट डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड यूज द अकाउंट्स रिसीवेबल विल बी लिस्टेड इन द बैलेंस शीट एट द ग्रॉस अमाउंट, ठीक है। जब हम ये मेथड यूज करेंगे तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे आ रहा होगा, ठीक है, हम क्योंकि कोई अलाउंस क्रिएट नहीं किया हुआ है। जब व्हेन एन एनी अकाउंट इज डिसाइडेड टू बी राइट ऑफ तो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे, टू बी रिटर्न ऑफ तो इसलिए ग्रॉस अमाउंट पे कह रहे हैं। दूसरा तरीके, ठीक है, चलो उस पेज को छोड़। अच्छा, ये कहने का मकसद है, चले नेक्स्ट पेज पे आइए। अलाउंस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड बैड डेट्स एक्सपेंस आर एस्टिमेटेड एट द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, बैड डेट्स एक्सपेंस को हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि इतना बैड डेट्स एक्सपेंस होगा। तो इसकी जनरल एंट्री पास होती है मंथ एंड पे, ईयर एंड पे, कि बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स या अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, यू भी लिख सकते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट या अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये हम एक मेथड से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो फिर हमने जब बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल शो करेंगे तो ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स को हम माइनस कर देंगे इस मेथड में, अलाउंस मेथड में, ठीक है। अब बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग बैड डेट्स एक्सपेंस अंडर अलाउंस मेथड, दो मेथड है, वो जो अलाउंस क्रिएट करना ना, एक इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है, एक बैलेंस शीट अप्रोच है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स अ टेकन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, हम नेट सेल का एक परसेंट रेट रख लेते हैं 2% 3% अपने पास्ट एक्सपीरियंस से और वो एंट्री पास कर देंगे। ये तो बड़ी सिंपल है, ठीक है, लेकिन ये मैंने यही समझा दिया आपको। लेकिन ये जो है बैड एक्सपीरियंस अंडर अलाउंस मेथड, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट मेथड समझा दिया। और सेकंड है बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच में क्या है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज अकाउंट्स रिसीवेबल आर टेकन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज अकाउंट रिसीवेबल आर टेकन। नॉर्मली अंडर दिस सेकंड अप्रोच कंपनी प्रिपेयर एजिंग शेड्यूल, एजिंग शेड्यूल बनाएगी अकाउंट रिसीवेबल के, उसकी जो 10 लाख रुपए है उसकी क्या रेंज, क्या मतलब पीरियड क्या है, पता लगा 2 लाख जो है अभी ड्यू नहीं हुए, 3 लाख अभी 20 दिन हो गए ड्यू हो गया, पास ड्यू फिर है, पता लगा 30 दिन हो गए इतने अमाउंट को, 40 दिन हो गए इतने अमाउंट को, तो ये पूरी एजिंग कर दी हमने, ठीक है, एजिंग के हिसाब से शेड्यूल बनाएंगे। देखो अंडर द सेकेंड अप्रोच
company prepares aging schedule in which it classifies the account receivable balance by the length of time they have taken unpaid. ये देखिए एजिंग शेड्यूल ऐसा बनाएंगे, ठीक है, एजिंग शेड्यूल देखिए टोटल अमाउंट है समझो 1 लाख रुपए अकाउंट रिसीवेबल में आ रहा है। अब उसकी हमने एजिंग की पता लगा, इसमें से 51,000 रुपये तो अभी ड्यू ही नहीं हुआ, फिर 29,000 को ड्यू हुए 1 दिन से लेके 30 दिन हो गया। ये देश आगे पीछे भी किए जा सकते हैं कि 1 दिन से लेके 35 दिन कर दें, कंपनी की मर्जी, 29,000, ठीक है। उसके बाद क्या है 631, देखो या 30 पे क्लोज हो रहा था, 31 से स्टार्ट हुआ, पास ड्यू हुए 12,000 और फिर 61 से 90 डेज पास ड्यू हुए 30,000, ओवर 90 डेज पास ड्यू हुए 50,000, इस तरह ये पेपर पेजिंग कर दी। अब क्या होगा, जाहिर है जो जो अभी पास ड्यू ही नहीं हुआ है उस पर परसेंटेज हम कम से कम लगाएंगे, ये गिवन होगी सवाल में 1% है। फिर जो 1 से 30 दिन पास ड्यू है उस पर कंपनी ने कहा 3%, फिर 31 से 60 डेज है उसके ऊपर 10%, और इस तरह 60 से 90 डेज है 20% है, और ओवर 90 डेज है 50%। इनकी परसेंटेज इस पर अप्लाई करके हमने ये एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अकाउंट्स निकाल लिया, ठीक है। अब इसकी एंट्री करेंगे इस तरीके से, ये एजिंग शेड्यूल बनेगा, एंट्री क्या होगी, नाउ सपोज जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या लिखा हुआ है, नाउ सपोज ऑलरेडी अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स में, ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स में शोड ए क्रेडिट बैलेंस, 5,000 का क्रेडिट पहले से आ रहा है और यहाँ पर आया कितना 5,680, ठीक है। तो अब हमने उसको उस डिफरेंस से लेंगे ना, तो हमने देखो एंट्री पास करने से पहले टोटल रिक्वायर्ड है 5,680, ये देखो 5,680 और आया कितना है, पहले से मौजूद है 5,000, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अलाउंस में, तो हमें ये एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा प्रोविजन सिर्फ 5,680 का। तो फिर ये एंट्री करेंगे बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ठीक है, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट या बैड डेट्स एक्सपेंस लिख दो, या फिर आप ये लिख दो अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट या अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ये एंट्री हो गई इस तरीके से, ये आपकी, ठीक है, समझ गए। हाँ जी सर, समझ गए समझ गए, ठीक है। अब मैं सवाल शुरू करते हैं, ठीक है, जी सर शुरू करें, सवाल शुरू करें सर। यस सर, क्वेश्चन ये मैंने गालबन ये तो आप लोगों को मिला हुआ है ना, शेयर हो रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 शेयर हो रहा है, बोले हो रहा है जी, हो रहा है जी, ठीक है। ये आपके व्हाट्सएप पे भी होगा ना, ये बोलो ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आपके। तो देखिए इसके हमने क्या करना है, ए बी इंजीनियरिंग कंपनी यूजेस बैलेंस शीट अप्रोच टू एस्टिमेट अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस एट द एंड ऑफ दिसंबर, दिस एन एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवर ये शो कर रही है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पास एक्सपीरियंस कंपनी एस्टिमेटेड द एस्टिमेटेड परसेंटेज अनकलेक्टेबल फॉर 5 ग्रुप बनाए हुए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट जो है वो पहले से आ रहा है आपका 31 दिसंबर को 16,700, क्या कैलकुलेट दी एस्टिमेटेड अनकलेक्टेड अकाउंट बेस्ड ऑन अबव ग्रुपिंग, ठीक है। तो बिल्कुल देखें अभी जैसे टेबल मैंने बनाई है, ठीक है, इसी क्वेश्चन से आप आ जाओ, इसको मैं शेयर करता हूं, देखिए
हो रहा है, सोल्यूशन शेयर हो रहा है। बोलो जी सर। देखो पार्ट ए एस्टिमेटेड अमाउंट अनकलेक्टेबल, देखो ये दिया हुआ है इसने सवाल में, है नॉट येट ड्यू 20,000, 1 to 30 days पास ड्यू 90,000, ठीक है, और 31 to 60 days ये 40,000, फिर क्वेश्चन में दिया हुआ 61 to 90 days 35,500, ठीक है, देख लो क्वेश्चन को, और फिर 15,000, ठीक है, और ये परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, देखो यहाँ हेडिंग दिया एस्टिमेटेड अकाउंट और वन अबव ग्रुप, और ये परसेंटेज आपको गिवन है, देखिए 3% नॉट येट ड्यू पे 3% दिया हुआ है एस्टिमेट, ठीक है, इनके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से है ये, फिर 5% है 1 to 30 days पास्ट ड्यू पे, फिर 31 to 60 days पे 10% है, और 61 to 90 days पे 15% है, फिर उसके बाद जो है ओवर 90 days पे 50%, तो इसी अमाउंट का ये परसेंट अप्लाई कर दिया है, ये हमने वन बाई वन सब पे अप्लाई किया, ठीक है, 20,000 का 3% 600 आ गया, 90,000 का 5% 4,500, 40,000 का 10% 4,000, 35,500 का 25,7625, 15,000 का 50%, और इस सब को हमने जमा किया तो पता लगा ये फिगर आ गई कितनी 24,225, ये एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अमाउंट आ गया, ठीक है, इसकी एंट्री करनी, ठीक है, लेकिन क्या है कि पहले से क्वेश्चन में बताया हुआ है कि क्वेश्चन में बी पार्ट देखो कैलकुलेट द एस्टिमेटेड अमाउंट, ये तो हमने निकाल लिया, पार्ट बी में करना है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री नीडेड टू ब्रिंग द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, ठीक है, और पहले से मौजूद है 16,700 पहले से मौजूद है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट ऑन द 31st December इज 16,700, क्या किया 16,000 टोटल अमाउंट आया देखो 24,225, तो अब आप कैसे एंट्री होगी ये देखो यहाँ पर आपको शो किया, और 24,225 हमें लाना है और 16,700 पहले से मौजूद है अलाउंस के अंदर, इसका डिफरेंस ले लिया हमें, कैलकुलेटर में निकालो डिफरेंस कितना आता है 24,000 देखो 24,225 minus 16,700 इसका 7,525 ये रिक्वायर्ड था, तो लिख दिया हमने देखो एंट्री कर दी अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट या अलाउंस या लिख सकते हैं बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट या अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 7,525 ये रिक्वायर्ड था, यहाँ लिखा टू रिकॉर्ड रिक्वायर्ड क्रेडिट बैलेंस अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट ये लिख दिया, ठीक है, क्लियर हो गई बात, सवाल समझ आया सर? एंट्री नहीं आया करे सर, क्या कह रहे हो एंट्री रिपीट करे सर एक दफा, देखिए टोटल अमाउंट तो ये जो परसेंटेज दिए उसके हिसाब से बैड डेट्स का अमाउंट आया, ठीक है, जिसको कहा अनकलेक्टेबल, बट पहले से क्वेश्चन में देखो 16,000 देखो ये आ रहा है 24,225 ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स में, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 16,700, ठीक है, पहले से मौजूद है, तो हम क्या करेंगे इसका डिफरेंस ले लेंगे, क्रेडिट हमने इतना बनाना है 24,225 पहले से 16,700 मौजूद है, तो आपने डिफरेंस लिया 24,225 और 16,700 देखो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका डिफरेंस लिया तो आया सिर्फ 7,525 इससे हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो आपने एंट्री कर दी अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट, ठीक है, इस तरीके से ये, और अगर ऐसा भी हो सकता था कि जब ये अमाउंट हमने निकाला ना 24,225 पता लगा जो पहले से मौजूद है वो सपोज 25,000 मौजूद है, 24,225 के बजाय 25,000 ज्यादा मौजूद है, क्या होगा फिर हम ये 200
इसका डिफरेंस कितना आएगा? 25,000 में से हमने माइनस कर दिया 20 है, पहले से मौजूद है 24,225, 775। ये एंट्री रिवर्स आपकी वाइस वर्सा हो जाएगी, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट और अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस क्रेडिट, वाइस वर्सा कर देंगे इसको एंट्री को, समझे बात। अगर अमाउंट जो है पहले से मौजूद है क्रेडिट में 25,000, तो ये एंट्री वाइस वर्सा हो जाएगी डिफरेंस से, यानी कि अन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, टू अराइव 25,000, ठीक है, क्लियर हो गई बात, इज इट क्लियर क्या मैं कह रहा हूँ? जी सर क्लियर है सर। अब देखिए बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस शीट में आपका देखो ये बैलेंस आ रहा है 375 का बैलेंस आ रहा है ना, टोटल कितना है, टोटल बैलेंस क्वेश्चन में कितना दिया है जल्दी से देखो, ये कंप्लीट कर ले, 375,000 है ना, ये 375 20,000 जस्ट मिनट, बीस हजार, 90,000, 40,000, 20,000 भाई, इसको जरा क्लियर हुई बात, तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ, देखिए जो मैंने 20,000 लिख दिया था ये अमाउंट आया, देखिए कितना आया 29,000, ठीक है देख रहे हो 29,000, और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है बैलेंस बोलो, पहले से मौजूद है 16,700, 16,700 पहले से मौजूद है और अमाउंट कितना है 29,000, तो 29,625 माइनस 16,700, तो ये एंट्री होगी 12,000, यहाँ पर देखो एंट्री होगी 12,925 और 12,925, इसकी एंट्री होगी, समझ गए, ये क्लियर हुई बात, जी सर। देखो जो अमाउंट था आपका, अमाउंट आया 29,000, ठीक है, और पहले से बुक्स में मौजूद है आपका 16,700, इसका डिफरेंस लेंगे ना इसको इन्हांस करने के लिए, तो वही लिया यहाँ पर, तो भाई हमने लिया डिफरेंस कैसे आया
29625 में से 29625 में से 16700 माइनस किया तो ये आपका आ गया 12925 12900, और एंट्री कर दी अनकलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। और कंपनी बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, ये देखिए बैलेंस शीट में टोटल अकाउंट्स रिसीवेबल आ रहा है 3,75,000, ठीक है, पार्ट सी देखो, और ये अलाउंस क्रिएट हुआ है 29,000, इस एंट्री के बाद अलाउंस ये हो जाएगा ना 29,000, ये इसमें माइनस कर दिया 29,000, देखिए 29,625 ये इसमें से माइनस करके ये बैलेंस शीट में इस तरह शो करेंगे पार्ट सी जो है क्वेश्चन का। क्लियर हुई बात, अकाउंट रिसीवेबल टोटल और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स कितना आ रहा है 29, ये माइनस किया तो ये बैलेंस शीट में इस तरह शो हो रहा है, यानी कि नेट ऑफ कर दिया बैलेंस शीट को, ठीक है। क्लियर हो गई क्वेश्चन, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम कल जो है एरर इन अकाउंटिंग का चैप्टर करेंगे, एरर इन अकाउंटिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं आपको कल ही सारा सेंड कर दूंगा, आज का लेक्चर और कल का, ठीक है। इसके हैंडआउट सब पढ़ा भी दिया आपको, ये सब आपके पास है, क्वेश्चन आज जो कराएं दो और उनका सलूशन, और कल जो कराएंगे एरर इन अकाउंटिंग और उसके सलूशन क्वेश्चंस को मैं आपको कल सेंड कर दूंगा। टुमारो विल बी आवर लास्ट क्लास, ठीक है। अब टाइम खत्म हो गया, ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज।